इसके पहले हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या और संख्याओं से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को और उनसे जुड़े तथ्यों को पढ़ा था। आज हम लोग अपने इस अध्याय में पढ़ेंगे भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। यह आपके लिए महत्वपूर्ण है और कई परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसके पहले मैंने आपको बता दिया था सम संख्या और विषम संख्या। तो सम संख्या और विषम संख्या जानते रहिएगा, जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं वे सभी संख्याएं सम संख्या होती है, तथा जिन संख्याओं के इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है वे सभी संख्याएं विषम संख्या होती है। अब हम आते हैं भाज्य संख्या पे, फिर आते हैं अभाज्य संख्या पे। लेकिन पढ़ने के लिए जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अभाज्य संख्या, इसे आप प्राइम नंबर के नाम से भी जानते हैं। तो अब प्रश्न उठता है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, बताइए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वे संख्याएं जो स्वयं से अथवा एक से कटती हैं या विभाजित होती हैं, उन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। माने जो संख्याएं एक से कटती हो, स्वयं से कटती हो, तथा किसी अन्य संख्या से न कटती हो न विभाजित होती हो, उन सभी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या जुड़े तथ्यों को पढ़ लेते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 24, 25। तो ये क्या है, अभाज्य संख्याओं का क्रम है। तो सबसे ज्यादा जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो कितनी होती है, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अगर ये पूछ दिया कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है तो अनंत। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, अनंत। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत। और सबसे छोटी समभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी समभाज्य संख्या सदैव 2 होती है। सबसे छोटी समभाज्य संख्या माने 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है। तो इस प्रकार में कह सकते हैं कि 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितनी है, 3। कितनी है, 3। और सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या अनंत है, क्योंकि सबसे बड़ी की कोई काउंटिंग ही नहीं है। तो सबसे बड़ी अनंत, सबसे छोटी अभाज्य 2, और सबसे छोटी विषम अभाज्य 3, क्योंकि 3 विषम भी है और अभाज्य भी है। सुन आप लोग को, चलिए एक प्रश्न और। 1 से लेके 25 तक के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, ध्यान से प्रश्न सुनिएगा। 1 से लेके 25 तक के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी और इनका कुल औसत कितना होगा, इस बार के सुपर टेट में भी प्रश्न था, इसलिए याद रखिएगा। 1 से लेके 25 तक के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, याद रखिएगा हमेशा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 से लेके 25 तक के बीच में कुल 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब मैं आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूं, आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। 1 से लेके 100 तक के बीच में कुल कितने अभाज्य संख्याएं होती है, अच्छा ये मैं बता दे रहा हूं क्योंकि डायरेक्ट परीक्षा में प्रश्न पूछ लेते हैं। 1 से लेके 100 तक के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, और 1 से लेके 25 तक के बीच में कुल 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब दो प्रश्न मैं जो आपको दूंगा, आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 1 से लेके 50 तक के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, और 1 से लेके 75 तक के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। और एक प्रश्न और लिख लीजिएगा, 1 से लेके 25 तक के बीच में कुल अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, 1 से लेके 50 तक के सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, 1 से लेके 100 तक के सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। ये आप याद रखिएगा, UPTT में ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 को लेकर इस बार तीसरी बार लगातार प्रश्न पूछा। इस बार 0, 73 अभाज्य संख्या कौन सी है वह करके पूछा था। तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, आप जानते रहिएगा। अब आगे आते हैं हम लोग, पढ़ते हैं भाज्य संख्या। कौन संख्या, भाज्य संख्या। ये भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भैया सीधी सी बात अगर कहना चाहे तो जो संख्या अभाज्य नहीं हो भाज्य होंगी, बस सीधा एक लाइन में कह सकते हैं कि जो अभाज्य नहीं है वो भाज्य है। तो इसके बारे में समझ लेते हैं। वे संख्याएं जो एक से कटती हो, स्वयं से कटती हो, तथा उसके साथ साथ
किसी अन्य संख्या से भी कटती या विभाजित होती है, ऐसे संख्याओं को हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। क्या हम कौन, वे संख्या है जो एक से कटती हो, स्वयं से कटती हो तथा किसी अन्य संख्या से भी कटती हो, ऐसे सभी संख्याओं को, ऐसी सभी संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, मेन इसका उदाहरण है, ये हो गया 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21 डॉट अनंत। अब देखिए भाज्य संख्या क्या है, 4, 6, 8, 9, 10 इस तरह से है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी है, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होगी, 4 होगी। सबसे बड़ी भाज्य संख्या अनंत। अब यहां से जो प्रश्न पूछा जाता है, एकदम सीधा प्रश्न पूछता है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है, तो कुछ लोग तुरंत 3 लगाते हैं, लेकिन याद रखिएगा सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है। 9 से छोटी कोई ऐसी विषम संख्या नहीं है जो भाज्य हो, ऊपर लिखा है देख लीजिएगा, 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है और 4 सबसे छोटी सम भाज्य संख्या है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछेगा तो भी 4 है। तो यहां से आपके प्रश्न कौन कौन से निकले, 1 4 निकला और 1 9 निकला। एक प्रश्न मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, 1 से लेके 100 तक के बीच में कुल कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से लेके 100 तक के बीच में कुल कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं। तो याद रखिएगा, हम सब जानते हैं, मैं आपको विकल्प दे रहा हूं, आप उसका चयन करिएगा। विकल्प दे रहा हूं ए, पहले ए हो गया आपका 73, बी 74, सी 75, डी 76। प्रश्न ध्यान सुनिएगा, 1 से लेकर 100 तक के बीच में कुल कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं, तो 1 से लेकर 100 तक के बीच में 25 अभाज्य होती हैं, तो भाज्य कितनी बची, 1 से लेकर 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्या होती है, मैंने बता दिया, तो भाज्य कितनी होंगी, तो घटा देंगे तो सब कहें कितना, 75। लेकिन 75 नहीं होगा, 74 होगा। 74 क्यों होगा, याद रखिएगा लाइफ टाइम ऐसा, एक न तो भाज्य होती है न अभाज्य होती है, एक न भाज्य होती है न अभाज्य होती है, इसलिए एक को छोड़कर गिना जाता है, एक न तो भाज्य है न अभाज्य, ये सदैव याद रखिएगा। इसलिए कुल भाज्य संख्या 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी होंगी, 74, क्योंकि बचेंगे 99, 99 से 25 का कितना बचेगा, 74। तो 1 से लेकर 100 तक के बीच में कुल 74 भाज्य संख्याएं होती हैं, एक न तो भाज्य होता है और न ही अभाज्य होता है, याद रखिएगा। और इसी में प्रश्न और पूछ देता है कभी कभी, जैसे विकल्प दे दिया 0, 1, 2, 3, पूछा निम्नलिखित में से सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 0, 1, 2, 3, ज्यादातर लोग 1 लगाते हैं, याद रखिएगा एक न तो भाज्य होती है न भाज्य, तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। तो बस यह मैंने आपको जो बता दिया, या यहां से जो भी प्रश्न आपको कभी परीक्षा में पूछे जाएंगे आप उसे आसानी से कर लेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो और लोगों तक शेयर करिएगा, और प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधित नोट्स ऑनलाइन क्लासेज हमारे उपलब्ध है, और आप सभी साथी टेलीग्राम और फेसबुक पेज पे इलेनी विद दुर्गेश के नाम से सर्च कर सकते हैं, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएगा। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए, आपको इलेनी विद दुर्गेश मिलेगा, उसे ज्वाइन करके आप हमारे चैनल में जुड़ सकते हैं हमारे। और यदि आपको किसी प्रतियोगी परीक्षा के नोट्स और ऑनलाइन क्लासेज चाहिए तो 6306344367 पे कॉल करके आप प्राप्त कर सकते हैं, ऑनलाइन नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस प्राप्त कर सकते हैं। और आप सभी साथी, अगर ये समझ में आ गया होगा तो आपको हम इसके जस्ट बाद अगली वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे, और हम आशा करते हैं यह वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपके लिए ये काफी महत्वपूर्ण रहा होगा। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी इसी तरह मन से करते रहिए, भगवान आपकी मनोकामना जल्दी पूरा करेगा और आप सब जल्द से जल्द सफल होंगे और अपने सपनों को साकार करेंगे। जय हिंद, जय भारत।